छह बजे से 7 बजे तक कहाँ गया है पप्पा? 6 बजे 7 बजे तक कहाँ गया पढ़ने के लिए? और ये कौन लुका है? अब क्या किया जाए इनके लिए बताइए, क्या किया जाए इनके लिए? अरे हम कोई भाई साहब कोई जज नहीं है, लेकिन एक टीचर के नाते इनका क्या किया जाए? आप बताए, आप गार्जियन, आप बताइए क्या किया जाए इनका? मार दिया जाए। ठीक है, कुटाई होगा का? दांत का चिया रहे हो? चल पड़ो, चलो जा। 6 बजे यही आई है ये आई और वही कोने में लुका गई, तब हमको पता लगा यहाँ यही कोने में लुका है। 6 बजे 7 बजे तक पापा, अब डेली नियम बनाए गए हैं स्कूल में, हाँ 6 बजे 7 बजे तक घूमना ही सकते हो, ये बढ़िया है कि नहीं? बहुत सुंदर है तो संहार हाँ, तो उही कुल के नाते बनाए गए, कम से कम कुछ ना कुछ घंटा तो पढ़बो। कैसो कैसो मोबाइल से पढ़ा था बाबू है, मोबाइल से पढ़ा था, देखो सोता है। हाँ हाँ बेटा मोहल्ले निकाल दो, हे वीरू मोहल्ले 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 मोहल्लिया मार गिर जाओ, देखो ये देखो लाख खोल, लाख खोल जल्दी खोल, खोल लाख लाख खोल, चलो वीडियो मार गिर जाओ। ये ऊपर है फ्री फायर, देख रहे ना फ्री फायर, ये मैक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रॉकी भाई के व्हाट्सएप अकाउंट किसे बात कर रहा था, और यूट्यूब गैलरी, फ्री फायर है ऊपर तो व्हाट्सएप ना है, फ्री फायर है ऊपर चार्ज है। कहाँ खेल रहा ये मार कहा है, इसे कहा है सब्सक्राइब कहा है, सब्सक्राइब बिल्कुल फालतू काम कर रहा है, पढ़े लिखे ना ही। चलो अब ये ढूंढ रहे हैं तब से, ढूंढो ढूंढ के पढ़, अब आएगा असली मजा पढ़ाई में। सवास चल पढ़ो, देखो ओ जी 6 बजे से 7 बजे तक बनाए गए पढ़े वाला रूल, अच्छा है कि नहीं? बढ़िया। आइए देखते हैं इजहार के घर, क्लास 9th में पढ़ रहा है। शाबाश बेटा, देखो ये पढ़ रहा, और अबरार फ्री फायर खेल पक रहे हैं, फ्री फायर खेल कर तबीयत खराब है, देखो आग इसका लाग दिखा बेटा, तब भी ये पढ़ रहा और मैथ लगा रहा। तो बताओ शायद इनकी दीदी हैं, तो 6 बजे 7 बजे तक रूल बनाया गया है पढ़ाई के लिए, क्या सही है कि नहीं? सही है। देखो बहुत बढ़िया, सारे गार्जियन सहमत, अगर कोनो ना पढ़े या नहीं पढ़ रहा है बाबू साहब 6-7 तुरंत शिकायत करो। हाँ ठीक है। बताओ दिवे तरह नहीं हमारे घर गेम खेल जा रहा है, ये देखो तुम वे, चलो ठीक है बेटा तुम काम करो, और तुम्हारा 6 बजे 7 बज गया है, आए पढ़ेगा कौन है? कहाँ भाग रहे, कहाँ भाग रहे, कहाँ भागे हैं? अपने घर चलो, जल्दी जाकर पढ़ो। हाँ मुंह खोल, मारेंगे बहिर हो जाओगी भजाक से। अब तुम बेटा तुम खेल सकते, तुम तो अभी छोटी हो बाबा, वो नहीं पढ़ रही थी ना, 6 बजे 7 बजे तक पढ़ना, क्या पढ़ेगा कौन? आओ चलो देखो, चलो आराम चलो। अरे नहीं नहीं मार नहीं है, मारा नहीं जाएगा, नहीं मारा नहीं जाएगा, मेरा बेटा पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ोगी पड़ो, नहीं है, पढ़ोगी ना बेटा? चलो 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 चलो, बैग ले लो, बैग ले लो, चलो नहीं ठंडा कहीं बैठ, चलो अरे बेटा मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, ये रहा इसका बैग, चलो बेटा खोल बेटा, शाबाश, अरे बेटा पढ़ेगी, चल क्या है ये क्या है बेटा? कॉपी जैन जाफरी, चलो लिखो मेरा बेटा लिखो, ये देखो वही सूत के लिख रहा है, ऐसा नहीं लिखा जाता बेटा, हाँ ऐसे हटके, अब लिखो, अब लिखो लिखो, ना ना लिखो बेटा, स्माइल कर दो तो, ये एकदम पढ़ो बेटा, सैरिस पढ़ रही है, सैरिस इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, ऐसे पढ़ा दो चलो। वाह कितना सुंदर लिख रहा है बेटा, तुम भी लिखो बेटा, तो हाँ लिखो लिखो, वाह
व्हाट ब्यूटीफुल। तो बताइए आप करो। हे बेटा चुप जाओ, हे दुब दुब वाले। तो मेरे दोस्त ये बताइए आपको कैसा लगा ये रूल? कुछ गार्जियन जो हैं वो अच्छा रिस्पांस दिए हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप भी जरूर बताएं कैसा लगा। जय हिंद। मैं जावरी सर, इस तरीके से मैं चाहता हूं कि भाई साहब हर जगह बच्चे कम से कम एक घंटा, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए और जो गार्जियन जागरूक नहीं है उनके लिए बेहतर उपाय किया गया है कि कम से कम वो अपने बच्चों को कह देंगे कि हाँ बैठो, तो वो भले ही ना पढ़े। कुछ गार्जियन शिकायत करते हैं बाबू हम तो पढ़े ही नहीं है। मेरे दोस्त कोई बात नहीं, भैया और चाचा कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप इतना कह दीजिए सिर्फ कि बेटा बैठो। वो बैठेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। आप किताबें खुलवा दीजिए कि हाँ किताब खोलो पढ़ो, तो वो उनका होमवर्क वो क्या है वो समझ के अपना कुछ ना कुछ करेंगे। तो जरूर इस पर ध्यान दें और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कारों पे और बच्चों के अच्छे एक्टिविटीज पे भी ध्यान देते रहें। खेलना भी जरूरी है, इसीलिए उनको जब स्कूल के बाद से, अगर स्कूल 2 बजे छुट्टी होता है या 3 बजे छुट्टी होता है, तो 3 से लेकर 3 घंटा पूरा उनके लिए जान लीजिए खेलने का ही समय है। तो 3 से लेकर 3-6 घंटा बहुत होता है। ये रूल कैसा लगा आपको जरूर बताएं। और पढ़ा लिखा संस्कार, क्योंकि संस्कार और तमीज अच्छी बातें ये बताते रहेंगे तो बुढ़ापे में जान लीजिए लाठी का सहारा बच्चे नहीं उनको दिए गए संस्कार दिया करते हैं।